मेरे को अभी पता चल रहा है कि प्लान था रात के 12 बजे का। जो दो लोग मेरे से मिलने आने वाले थे वो लोग आज के वक्त क्या दाम है तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो आज है 13 फेब और आज है मेरा बर्थडे। और अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ और अनुप भाई सरप्राइज देते आते हैं, देखो क्या है। तो अनुप भाई ले क्या है केक मिले सुबह सुबह वो भी 8 बजे। और मेरे को अभी पता चल रहा है कि प्लान था रात के 12 बजे का, लेकिन कल इतना ट्रेवल हो गया तो उसके बाद अनुप खाना खाने गया और घर में ही सो गया। अभी जाते हैं पहले फ्रेश होने, उसके बाद कट करते हैं केक। तो गाइस रेडी हो चुके हैं और अभी पहले जाएंगे हम लोग मंदिर। मंदिर में थोड़ा पूजा करने के बाद उसके बाद निकलेंगे हम लोग डायरेक्ट कोरबा के लिए। एक्चुअली दो लोग हैं, उन लोगों को भी पार्टी देना है पहले, तो पहले उन लोगों को निपटा करके उसके बाद शाम का ब्लॉग आपको सब दिखेगा कि क्या होने वाला है। अभी का सीन ये है कि मैं, अनुप और गर्व तो है यहाँ पास, बट अभी बच गया आर्यन। तो पहले आर्यन को लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे मंदिर, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलेंगे कोरबा। आर्यन घर तो पहुंच गया, पर टेंशन क्या है ना कि ये तैयार हुआ है या नहीं हुआ ये नहीं पता। दिक्कत क्या है ना कि क्रीम पाउडर लगाते रहते हैं तो क्या पता तैयार हुआ है नहीं है, देखते हैं बुलाते क्या होता है। बुलाता हूँ आर्यन। तैयार है? तैयार हो गया नहीं? नहीं टाइम लगा भाई इस बार। भाई खड़ी का प्लान था एक बजा दी। थैंक यू भाई। चले दिक्कत हो गया। तो एक्चुअली गाइस एक प्रॉब्लम हो गई कि मंदिर बंद है क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अभी यहाँ तो नहीं जा पाया। तो मंदिर तो मैं वैसे शाम को चल दूंगा, आई थिंक मैं शाम को जाऊंगा, लेकिन अभी लेट ना हो बोल के तो चलता है डायरेक्ट कोरबा के लिए। जी लोग आने वाले हैं, उन लोग 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं, उसके बाद फिर उन लोगों के आने के बाद हम लोग मिलने के बाद जाएंगे अंदर और टेस्ट करते हैं देखते क्या होता है। तो गाइस एक्चुअली सीन यहाँ पर ये हो जाता है कि जो दो लोग मेरे से मिलने आने वाले थे वो लोग आज के वक्त रास्ते में उन लोगों का एक एक्सीडेंट हो जाता है और उन लोगों को बहुत मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी इंजरीज आ जाती हैं। तो फिर हम लोग फिर उन लोगों को कॉल करते हैं, फिर हम लोग वहाँ से हमें उस टाइम ग्रेज नहीं थे, हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। उन लोग बस आ रहे थे तो रास्ते में उन लोगों का फिर एक्सीडेंट हो गया। फिर कॉल आया मुझे कि हाँ ऐसा ऐसा है कि एक्सीडेंट हो गया। फिर हम लोग लोकेशन वोकेशन पूछ के हम लोग गए वापस और देखे तो सही में यहाँ पर थोड़ा लग गया था। और उसके बाद फिर हम लोग मतलब वापस मैं, अनुप, आर्यन और गर्व, हम लोग 4 लोग थे और उन दोनों थे। तो उन दोनों को फिर वहाँ से हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। उन लोगों के घर वालों को कॉल किया हम लोग, तो उन लोग के घर वाले आए। फिर वहाँ से फिर हम लोग थोड़ी देर थे वहाँ तक, उसके बाद फिर लोग गए। अभी तो फिलहाल मैं घर आ चुका हूँ और जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि क्या हुआ था कोरबा में, हम लोग साथ मेरी दो फ्रेंड थी उन लोगों का दोनों का एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बाद फिर हम लोग कोरबा में ज़्यादा देर तक थे नहीं, मैं घर आ गया। हम लोग अभी जस्ट मैं घर आया, तो अभी तो पहले ये कपड़ा चेंज करते हैं और फिर मैं जाता हूँ ट्यूशन, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस लगभग 10 मिनट वेट करने के बाद इन लोगों का मेरे को कॉल आया। ऐसा भी नहीं था कि कोई आके बुलाए मेरे को प्यार से, इन लोग मेरे को कॉल किया और बोलते कि आ भाई अब अंदर आ जा। तो हम देखते हैं चलते हैं अंदर और देखते हैं लोग क्या क्या प्रिपरेशन किए मेरे लिए। तो गाइस चलिए अब चलते हैं देखते हैं अंदर क्या सीन है। थैंक यू गाइस। अबे आग जल जाता है उसमें। क्या दाम है वे आर्यन? फट गया।
नहीं हो रहा है वो। बहुत कोशिश कर लिया मैं। लगी लगी वाले लाया चलो कंटेंट दे इंडी ऊपर करना अभी कंटेंट दे दो जी गाइस बर्थडे हो चुका है खत्म और भाई इतना मस्त सजाया ना लोग मतलब लिटरली भाई अनु भाई दिल से थैंक यू भाई इतना तैयारी मेरे लिए मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था ना इन लोग से कि लोग इतना करेंगे मेरे लिए और अनु भाई मेरे को मतलब सही में दिल खुश कर दिए लोग। तो अभी का प्लान ये है कि सब लोग तो चले गए और अभी हो रहे हैं फिलहाल 10 बज रहे और पहले अभी खाना ना खा लेते हैं हम लोग उसके बाद फिर आर्यन ने हम लोग का ये दिया है पैराशूट तो इसको पहले चलते हैं बाहर अभी इसको उड़ाते हैं क्योंकि वो मंगा है भाई एक वीडियो बोल रहा है कि भाई तू जब भी उड़ाएगा ना प्लीज मेरे लिए वीडियो बना देगा मैं ठीक है जरूर तो पहले अभी चलते बाहर इसको उड़ाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। भाई मैं सच बता रहा हूँ ये दुनिया का सबसे प्यारा आदमी है यार सबसे प्यारा बच्चा ही है। हम लोग को इसको उड़ाना था इसलिए मैं इसको बोला एक बार कि उड़ जा आजा और ये उड़ गया यार कितना प्यारा बच्चा ये बात सोना छोड़ू चलना भाई प्लीज चलना चलना भाई गाइस कोई आदमी को समझाओ यहाँ हो रहे हैं 11:30 और इस आदमी को समझाओ कि इस टाइम पे खाना खाया जाता है मैगी नहीं मैगी खाऊंगा तुम्हें खाना है मैगी तुम्हें खाना है मैगी तो मैं क्यों पीछे हटूं मुझे भी खाना है भाई मैगी तो यहाँ पास छोटू आज एडिट कर रहा है मैं तो करने सारा तो छोटू एडिट कर रहा है और मैं और ये अनूप हम लोग मैगी बनाएंगे आउट ऑफ नोवेयर। अनूप को ही हमेशा आइडिया आता है वो भी एडिटिंग के वक्त कि हम लोग को मैगी खाना है तो अभी मैगी बना रहा है अनूप उसके बाद हम मैगी खाएंगे उसके बाद फिर करेंगे एडिटिंग खत्म फिर मिलते हैं आपसे। सो राइट गाइस ब्लॉग को करते हैं बस एंड एंड सही बताऊँ तो मेरे को अपने फ्रेंड से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरे लिए वो इतना सब कुछ करेंगे तो उसके लिए तो मैं भाई उनको सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ और थैंक यू गाइस मेरा दिन इतना अच्छा बनाने के लिए और दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग गाइस होप यू गाइस एंजॉयड दिस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और तब तक लिए अपने परिवार का ख्याल रखें मैं खाता हूँ मैगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय एंड वेट गाइस स्पेशल थैंक्स टू छोटू एंड अनूप सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए और अभी बाय बाय।